Hello children, how are you all? Myself Pavna madam is going to continue your first chapter. Yesterday we understood the poem. Now today come on page number 4. There is a match given that you have to do for your homework. Now come on page number 5. Here in activity 4 you have to write all the adjectives you find in the poem. In activity 6 you have in activity 5 that is page number 6 you have to write 10 symbols of our country. Now straight away come on page number 9. Here there is story of fox and rabbit. There once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. एक बार एक फॉक्स था, वो बहुत चतुर था, पर उसकी चतुरता की हमेशा वाहवाही करता रहता था वो. वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम स्लो क्लेवर ही सेड दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज. उसने एक बार रैबिट को बोला, मैं तो इतना क्लेवर हूँ, इतना चतुर हूँ कि मुझे 100 तरीके आते दुश्मन से भागने के लिए. वाओ द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल. रैबिट ने बोला, वाओ कितना अच्छा, मेरे पास तो एक ही है पर वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है. द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर. फॉक्स ने बोला, मुझे तुझे सुनना चाहिए, मैं तुझे बहुत सारे और रास्ते दिखाऊंगा. यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू, तुझे बहुत सारे रास्ते आने चाहिए जैसे मैं करता हूँ. Just at that moment, the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming towards them. और वो ही moment पे उन्होंने आवाज़ सुनी hunters की, उनकी तरफ आने की. Pack of hunters मतलब group of hunters. Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. Immediately rabbit तो जो अपने hole में रहता था तुरंत नीचे घुस गया और चला गया. He called back to the fox. Fox को बुलाया और बोला कि ये मेरा plan है. What are you going to do? तू क्या करने वाला है? The fox thought first of one way. Fox ने पहले एक तरीका सोचा, then another, फिर दूसरा सोचा, then he thought of a better way. फिर कोई दूसरा अच्छा रास्ता सोचा, then he considered another way, वापस दूसरा सोचा. And while he was thinking of all his clever choices, the hunter caught him up and he was soon carried off. और जैसे जैसे वो सोचता रहा अपनी आइडियाज़ के बारे में, हंटर आया और उसको उठा के लेके गया. इसका क्या मतलब है? आपको वो मोमेंट में जो आइडिया आए वो आपको फटाफट उसका इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, प्लान कर देना चाहिए, वरना कोई उठा के लेके जाएगा. नाउ कम ऑन पेज नंबर 10, एक्टिविटी 10. देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी. One night, Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one. एक रात Emperor Akbar को सपना आया कि उसने अपने सभी teeth घुमा दिए except एक ही बचा है, एक बच गया. The next morning, he invited all the astrologers of his kingdom to interpret his dream. दूसरी सुबह उन्होंने सभी astrologers को बुलाया जो भविष्यवाणी करते अपने kingdom में कि ये ड्रीम की क्या उसका मतलब क्या है. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम. बहुत सारे डिस्कशंस के बाद सब ने अनुमान लगाया कि किंग एम्परर अकबर से पहले सभी उसके रिलेटिव्स मर जाएंगे. एम्परर अकबर तो ये सुन के बुरा लग गया. एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाई दिस इंटरप्रिटेशन. ये अनुमान से तो बहुत बुरा लगा उनको. एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. उसने सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बिना कोई रिवॉर्ड दिए, इनाम दिए, भेज दिया. लेटर दैट डे, बाद में वो दिन में बीरबल दरबार में आए. एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट. एम्परर अकबर ने उसको भी अपना सपना सुनाया और अनुमान लगाने का कि इसका क्या मतलब है पूछा उसको. After thinking for a while, Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. बहुत सोचने के बाद बीरबल ने रिप्लाई किया
कि एम्परर अकबर तो बहुत जिएंगे, लंबी आयुष्य जिएंगे, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, उनके सभी रिलेटिव से वो बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। एम्परर अकबर वॉज प्लीज विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। एम्परर अकबर तो बहुत खुश हो गए बीरबल के एक्सप्लेनेशन से और बहुत सारा इनाम दिया। इसका क्या मतलब है? दोनों का वैसे अनुमान सेम था पर बोलने का तरीका डिफरेंट था। एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला कि उनके सभी रिलेटिव्स उनसे पहले मर जाएंगे। मरने की जब भी बात होती है रिलेटिव्स को तो वो कभी भी किसी को बुरा ही लगता है। और बीरबल ने क्या बोला कि एम्परर अकबर बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे उनके सभी रिलेटिव से। तो दोनों का सेम इंटरप्रिटेशन था पर सामने रखने का तरीका बहुत डिफरेंट था। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो गुड डे चिल्ड्रन, बी सेफ, थैंक यू।